नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन एम द रिकॉलिंग गन कम्प्रेस इज स्प्रिंग ऑफ फोर्सेंट के अ डिस्टेंस डी सवाल है बुलेट क्या होगी नाउ सिनेरियो ये है कि ये मान लीजिए आपकी गन उस गन से आपने एक बुलेट फायर की और बुलेट इसके आपकी गन का मास कैपिटल एम बुलेट का मास स्मॉल एम बुलेट आपकी वी वेलोसिटी से गई ना और recoil की आपकी जो वेलोसिटी होगी लेट्स कॉल इट वेलोसिटी ऑफ गन अब आपने इस गन को एक स्प्रिंग के साथ में ऐसे रखा है ऐसा अरेंजमेंट है कि स्प्रिंग कांस्टेंट के है आपने इस गन को ऐसे यहाँ पे रखा और इस री की वजह से आपका स्प्रिंग डी कम्प्रेस हो गया सो री गन कंप्रेस अ स्प्रिंग ऑफ फोर्स कॉन्सटेंट के बाय डी हमें बताना है वी की क्या वैल्यू होगी और ये हमारा आंसर जो आना चाहिए वो आना चाहिए के डी कैपिटल एम स्मॉल एम जो जो आपको डेटा दे रखा है एम कैपिटल एम के और डी के टर्म में हमें वी की वी क्या वैल्यू होगी ये बताना है ना सिंपल uh, सवाल हो जाता है इसके बाद सबसे पहले तो ये हम इस सिनेरियो को कंसिडर करते हैं यहाँ पर क्योंकि आपका नेट एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पर जीरो है तो आपका इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं जीरो प्लस जीरो या आपका गन और बुलेट का इनिशियल मोमेंटम है विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम यानी कि दैट विल बीवल टू एम वी ये आपकी वेलासिटी ऑफ गन मल्टीप्लाइड मास ऑफ गन प्लस मास ऑफ सॉरी वेलासिटी ऑफ बुलेट मल्टीप्लाइड बाई मास बुलेट ये मास ऑफ गन मल्टीप्लाइड बाय वेलासिटी ऑफ गन राइट सो विच एम्प्लाइज वेलासिटी ऑफ गन जो है दैट विल बीवल टू माइनस एम वी डिवाइडेड बाई कैपिटल एम नाउ माइनस साइन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि डायरेक्शन आपका अपोजिट होएगा. सो आपकी इक्वेशन नंबर वन बन गई नाउ अब अगर हम एनर्जी कंजर्व करें एनर्जी इनिशियली विल बी इक्वल टू एनर्जी फाइनल ये हम अब बात कर रहे हैं आपका स्प्रिंग प्लस गन के रिकॉयलिंग गन के स्नैरियो में तो अब हम इस स्नेरियो की बात कर रहे हैं यहाँ पे इनिशियल एनर्जी की बात करें तो आपके स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल जीरो वो आपके नेचुरल लेंथ पे था प्लस जो आपके इनिशियल एनर्जी गन की वो आई वो होगी आपकी कानीटिक एनर्जी हाफ कैपिटल एम वी जी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू फाइनल एनर्जी सो फाइनल एनर्जी आपने क्या किया कि स्प्रिंग को कंप्रेस किया तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी स्ट्रेलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हाफ के डी स्क्वायर प्लस uh, क्योंकि मैक्सिमम का प्रेशन हुआ है तो आपकी वेलोसिटी ऑफ गन ज़ीरो हो जाएगी विच एम्प्लाइज यहाँ पे आपकी वी की जो वैल्यू है वी जी वी जी पढ़ाई लिख लेते हैं वी जी विल बी इक्वल टू हाफ यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा के डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम वी जी स्क्वायर और इसकी वैल्यू आ गई के डी स्क्वायर बाय एम राइट विच एम्प्लाइज़ आपका वी जी जो है वेलोसिटी ऑफ गन देट विल बी इक्वल टू के डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम का अंडर रूट नाउ फर्स्ट और सेकंड यह आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई फर्स्ट और सेकंड को अगर हम इक्वेट कर दें इनका मैग्नीट्यूड सो दिस विल बी इक्वल टू के डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम का अंडर रूट विल बी इक्वल टू एम वी डिवाइडेड बाय कैपिटल एम विच एम्प्लाइज आपका वेलोसिटी uh, इसकी जो हमें वैल्यू बतानी है दैट विल बी इक्वल टू एम डिवाइडेड बाय स्मॉल एम मल्टीप्लाइड बाय के डी अच्छा डी को हम चाहे तो बाहर निकाल सकते हैं के डी डिवाइडेड बाय एम और इस एम को इनसाइड ले आते हैं सो ये वैल्यू हो जाएगी डी डिवाइडेड बाय स्मॉल एम मल्टीप्लाइड बाय ये हो जाएगा आपका के एम राइट ये एम जाके एम स्क्वायर बनेगा एम कैंसिल हो जाएगा सो दिस विल बी आर फाइनल वेलोसिटी सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर थ्री डी बाई एम अंडर उड के एम वुड बी द राइट आंसर आई होप ये सोल्यूशन आपको समझ में आया